हेलो स्टूडेंट्स, एस सी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग पौधों के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की अगर अधिकता हो जाए तो पादप के ऊपर उनका विषैला प्रभाव जो है वो किस प्रकार से होता है और कौन कौन से तत्व का विषैला प्रभाव पड़ने से पौधे के अंदर कौन कौन सी कमियाँ या कौन कौन से रोग पैदा हो जाते हैं, तो ये इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव, तो तत्वों के अधिक्य से विषैला प्रभाव जो है वो निम्न कारकों पर प्रभावित करता है। मतलब पादप के ऊपर विषैला प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या फिर वो प्रभाव कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये चार पाँच जो चार कारक जो है इनकी उपलब्धता जो है या इनकी इंपॉर्टेंस जो है या इनकी उपस्थिति पादप के अंदर कितनी है। तो देखिए, पहला कौन सा है, पोषक तत्वों की सुलभ मात्रा का स्तर। तो पोषक तत्व जो है मृदा के अंदर कितनी सुलभता से पादप को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। सुलभता का मतलब ये है कि अगर पोषक तत्व मृदा के अंदर उनकी कमी है तो उस कमी से सीधा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि उस पौधे को उस तत्व की उपलब्धता कभी भी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर सुलभता नहीं होगी तो उस तत्व का विषैला प्रभाव कभी भी पादप के ऊपर नहीं पड़ेगा। सहयोगी तत्वों की अपेक्षित सुलभता, यानी कि दूसरे एलिमेंट जो है जैसे लोहे व जस्ते के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनके संदर्भ में दूसरे एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। यानी कि अगर दूसरे तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं तो ऐसा हो सकता है कि वे लोहे के और जस्ते की अधिकता को संतुलित कर देंगे। लेकिन अगर दूसरे तत्व जो है वो कम मात्रा में उपस्थित हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा और जस्ता जो है वो उनका अनुपात जो है वो अधिक हो जाएगा या वो अधिक मात्रा में हो जाएंगे। अगर वो अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो इसका मतलब उनकी जो है वो विषैला प्रभाव जो है पादप के ऊपर दिखेगा। फिर आता है पौधे की जीनी संरचना। जीनी संरचना का मतलब ये कि पादप की जो आंतरिक संरचना है उसके डीएनए और आरएनए की, उसके अंदर ऐसे कौन से जीन उपस्थित हैं जो कि तत्व के विषैले प्रभाव को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, तत्वों का विषैला प्रभाव ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, ये उस पादप की जीनी संरचना पर निर्भर करता है। तीसरा चौथा जो है वो पादप की आयु है। पादप की आयु जो है उससे भी किसी भी तत्व का विषैला प्रभाव जो है वो निर्धारित होता है। जैसे जैसे जो प्रारंभिक आयु के पादप होते हैं यानी कि जिनकी आयु कम होती है उन पादपों के ऊपर जो अधिकता जो है या किसी भी तत्व की उच्च सांद्रता जो है उसको वो सहन कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे पादप की आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो पादप किसी भी तत्व की अधिकता को सहन नहीं कर पाता। जैसे अपने देखते हैं कि मनुष्यों के अंदर भी जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य जो है वो बीमारियों के प्रति उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाती है और वो बीमारियों से घिरता जाता है। ऐसे ही पादपों के अंदर पादपों की अगर आयु कम है तो वो पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव को सहन कर पाते हैं, लेकिन अगर आयु ज्यादा है तो वो विषैला प्रभाव उनके ऊपर अधिक मात्रा में होगा। विषैले प्रभाव का पादपों के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो इससे अगर किसी भी तत्व की सांद्रता उच्च हो जाती है जिससे कि उसकी मात्रा किसी पादप में बढ़ जाती है तो सबसे पहले जो पौधे की उपापचयी क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होने की वजह से जो पौधे की शारीरिक संरचना है वो प्रभावित होती है। पौधे की शारीरिक संरचना प्रभावित होने से अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है और या फिर पौधा इस प्रकार का हो जाता है कि इसके अंदर लगने वाले फूल और फल और पत्तियां जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो कि मतलब किसी भी कार्य में उपयोगी नहीं होते, ठीक है। तो ये जो मैंने कारक आपको बताए हैं कि कौन कौन से कारक जो हैं वो पादप के अंदर किसी
तत्व के विषैले प्रभाव को प्रभावित करती है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि कौन सा तत्व किस प्रकार का विषैला प्रभाव पैदा करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन से तत्व से किस-किस प्रकार की जो है लक्षण जो है पादप के अंदर पैदा होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आयरन से स्टार्ट करते हैं। आयरन जो है सबसे पहला जो उसका प्रभाव पड़ता है किसी भी पादप की वृद्धि पर, वो ये है कि उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि पौधे की लंबाई जो है वो बंद हो जाती है बढ़ना, पौधा जो है वो बौना रह जाता है। और इसके अलावा पादप के अंदर जो उसके क्षेत्रफल के अंदर जो वृद्धि होनी थी वो वृद्धि जो है वो भी रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि अवरुद्ध होने का मतलब सीधा सा ये है कि उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर जितनी भी नई पत्तियां, नए पुष्प, नए फल लगने थे वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। वृद्धि अवरुद्ध होने का मतलब ये भी है कि पौधा धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसकी मृत्यु जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध होगी। वृद्धि अवरुद्ध होने का मतलब ये है कि उसकी क्रियाएं अवरुद्ध हो गई है। तो पादप के अंदर अगर जैव रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी तो वो पादप जो है वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जड़ों के अंदर भूरापन और सूखापन पैदा हो जाता है, क्योंकि आयरन जो है जैसे ही आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो पादप के अंदर आयरन का कलर आना स्टार्ट होगा, जैसे भूरा रंग स्टार्ट होगा। जैसे मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस मृदा के अंदर आयरन की अधिकता होती है उस मृदा में उस मृदा का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, तो लाल मिट्टी की खासियत ये होती है कि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जड़ों के अंदर भूरापन आ जाएगा और सूखापन आ जाएगा, ब्रांचिंग होने लग जाती है। ब्रांच जो है वो जो है एक धातु होती है, और ब्रांचिंग का मतलब ये है कि इस जैसे ही आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो पादप जो है उसके पत्तियों और उसके जड़ों के अंदर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रांचिंग का मतलब कि भाई जो जड़ों का रंग है ना वो तांबे जैसा हो जाएगा, ठीक है, तांबे जैसा रंग जो है वो हो जाएगा। जैसे ब्रांच जो है वो मिश्र धातु होती है जिसको अपन कांसा कहते हैं, लेकिन अगर आप उसका कलर देखोगे तो कुछ वो तांबे जैसा कलर होता है ना, ऑरेंज टाइप का कलर होता है धातु का, तो वैसा कलर इसका होना स्टार्ट हो जाता है जड़ों में, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है उसकी अधिकता से पत्तियों में कुंचन स्टार्ट हो जाता है। कुंचन का मतलब यह है कि पत्तियां जो है श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। अनाजों के अंदर हिप टेल जो है वो ऐसा रूप पैदा हो जाता है, यानी कि लोमड़ी रंग जो है अनाज के अंदर उत्पन्न होता है। अनाज के जो दाने हैं, दानों की बात कर रहे हैं, अनाज के जो दाने हैं उनके अंदर ऐसा होता है। पत्तियों पर भूरे रंग के जो है वो धब्बे बनने लगते हैं। तो ये इस प्रकार की जो लक्षण है ये तो हमने आमतौर पर फसलों के अंदर देखे हैं कि भूरे रंग के धब्बे जो है वो फसलों पर होने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि तांबा जो है उसकी अधिकता से क्या होगा। अब तांबा जो है जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी, जैसे आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो भूरापन बढ़ेगा, तो तांबे की मात्रा बढ़ने से फिर तांबे जैसा रंग जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें ये दूसरा लिखा हुआ है लाल रंग, गुलाबी रंग के धब्बे जो है वो बढ़ जाते हैं तांबे की अधिकता से, ठीक है। तांबे का जो प्राकृतिक रंग है आपने देखा होगा कि लगभग वो लाल सा जो संतरी रंग का होता है, जैसे कि सुबह और शाम सूर्य का जो रंग होता है वैसा रंग होता है तांबे का। तो उस प्रकार का रंग जो है वो उसकी जो है अधिकता पादप के अंदर होने लगती है। तांबा जो है पत्तियों में हरिमा अधिकता, अब जैसे ही इस रंग की अधिकता होगी तो हरा रंग जो है वो लुप्त होना स्टार्ट हो जाएगा,
यानी कि हरिमांगीनता की स्थिति जो है वो पत्तियों के अंदर पैदा होगी। ठीक है, जड़ों का लाल गुलाबी होकर फटना या गलना। तो जड़े जो है, क्योंकि जड़ों के अंदर तांबे की जो अधिकता है वो, क्योंकि सबसे पहले वो जड़ों को प्राप्त होता है, तो उसकी जो सर्वाधिक मात्रा है वो जड़ों में ही होगी। और जड़ों में अगर सर्वाधिक मात्रा होगी तो तांबे जैसा रंग हो जाएगा लाल बदामी, और उससे क्या होगा कि जड़ें जो है वो या तो फटना स्टार्ट हो जाती है या फिर गलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अधिकता से जो जो धातु जिस जिस धातु की अधिकता हो रही है उस धातु के लक्षण जो है वो उसमें होने लगते हैं। ठीक, चलिए जस्ते की बात करते हैं। पत्तियां जो है भूरी होकर सूख जाती हैं, शिराओं पर लाल भूरे रंग के धब्बे जो है वो बनते हैं। तो शिराएं जो है वो पत्तियों को, अगर आप किसी भी पादप की पत्ती को देखोगे तो उस पत्ती के अंदर बिल्कुल पतली पतली एक वाहिकाएं होती हैं जिनको शिराएं कहा जाता है। ऐसा हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी पतली शिराएं होती हैं, तो उन शिराओं पर लाल भूरे रंग के धब्बे होते हैं और फास्फोरस की सुलभता जो है वो जस्ते की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। ठीक है, जस्ता जो है वो फास्फोरस की सुलभता को अवरुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो फास्फोरस की भी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होगा कि पादप के लिए तीन ऐसे तत्व हैं जो सर्वाधिक आवश्यक होते हैं। तीन तो ऐसे तत्व हैं जिनसे पादप की संरचना बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और तीन ऐसे तत्व हैं जो उसकी वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, एक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK बोलते हैं जिसको। तो NPK का मतलब फास्फोरस की सुलभता जो है वो जस्ते की अधिकता के कारण कम हो जाती है। पांचवा एलिमेंट जो है वो आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है पत्तियों पर पीले व नीले रंग के धब्बे जो है वो इससे बनने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो अवरुद्ध होती है। बोरॉन जो है उसकी वजह से पत्तियों में हरिमांगीनता, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हरिमांगीनता आएगी। और कलियों व फूलों का हल्का रंग जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, फूलों का रंग और कलियों का रंग जो है वो हल्का हो जाता है। किसी भी पादप के अंदर जो फल लगते हैं वो फल भी अपने प्राकृतिक रंगों को प्राप्त नहीं कर पाते, उनका रंग जो है वो भी हल्का हो जाता है। जो क्लोरीन है पत्तियों की संख्या व आकार में कमी कर देती है। जैसे ही क्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी तो पादप पर लगने वाली पत्तियां और उनकी संख्या और उनका आकार जो है वो कम हो जाएगा। पत्तियों के किनारे बादामी होकर फट जाते हैं। क्लोरीन की अधिकता से पत्तियों के जो किनारे हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ता है और इनका रंग जो है वो परिवर्तित होकर बादामी कलर का हो जाता है और किनारे जो है वो फट जाते हैं। तो ये एलिमेंट जो थे मुख्य एलिमेंट हैं जिनकी अधिकता से, जिनकी सांद्रता अधिक हो जाने से पादपों के अंदर इस प्रकार के विषैले प्रभाव जो है वो पैदा होते हैं, अर्थात ऐसे प्रभाव पैदा होते हैं जो पादप की वृद्धि, उसकी जैविक क्रियाओं और उसकी उपापचयी क्रियाओं के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर इसके बाद में, ये तो हमारा सूक्ष्म तत्वों के विषैले प्रभाव की बात हो गई, इसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि क्रांतिक स्तर किसको कहते हैं। इसको बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट। ठीक है, क्रिटिकल लिमिट, किसी भी पादप के अंदर जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब भी, अगर इससे कम अगर हुआ, ये तत्व अगर इससे कम हुआ तो फिर इस तत्व को जो है वो, इस तत्व की कमी से पौधा जो है वो बच नहीं पाएगा, पादप जो है वो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। तो इसको हम क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, क्रिटिकल लिमिट। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे क्रांतिक स्तर। तो देखो भाई, क्रांतिक स्तर जो है वो क्या होता है, आपके बुक के अंदर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं क्रांतिक स्तर की। पहले मैं परिभाषा भी बात करूंगा कि क्रांतिक स्तर जो है वो क्या होता है। तो क्रांतिक स्तर किसी भी मृदा या किसी पौधे के अंदर पोषक तत्वों की वह मात्रा होती है
जिससे कम मात्रा होने पर वह पौधा प्राकृतिक रूप से शारीरिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है, उसके अंदर जैविक क्रियाएं जो है वो पूर्णता से संपन्न नहीं हो पाती, और इसके अलावा उस पादप की मृत्यु जो है वो भी हो सकती है। यानी कि उसकी जो मिनिमम लिमिट है, किसी भी चीज के ऊपर मिनिमम लिमिट कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्रांतिक स्तर कहा जाता है। तो जैसे इसके अंदर आपकी बुक के अंदर जो है वो क्रांतिक स्तर दिए हुए हैं, नाइट्रोजन जो है वो 280 से ऊपर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उसका जो लेवल है ठीक है 280 है ना। पादप के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1.50% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। 20% जो है ये इसके अंदर है फास्फोरस का दिया हुआ है, 1.40% जो है पोटेशियम का दिया हुआ है। तो ये सारी मात्राएं इसके अंदर दी हुई हैं, इससे क्या होता है कि ये सारे के सारे इसमें लिमिट्स जो है वो दी हुई है। मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक ये नहीं है, तो इसको अपने आप बुक में से डायरेक्ट थोड़ा रीड कर लेना है इसको। आज हम इसके अंदर पोषक तत्वों के हमने विषैले प्रभाव को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, और ये अपना लास्ट वीडियो जो है वो जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो हमारा इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा ठीक है। इसके साथ ही ये लेसन खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हम कुछ और लेसन जो है नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।